त्रिपाठी क्लास 12 राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय विजय जोधपुर की छात्रा हूँ। हम सभी छात्राएं कला उत्सव 2017 में आसाम का बिहू नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं अन्नू बेजवाल कक्षा 12, मैं चारवीं क्लास में हूँ। मैं सरोज कक्षा 12, मैं भाग्यश्री कक्षा 11, मैं देवी क्लास 11, मैं कक्षा 6। थोड़ा ये अपने बच्चों के लिए मुश्किल तो होगा, तो इसीलिए हमें काफी काम करना पड़ेगा। तो गीता जी, आप मैं एक डांस टीचर को जानती हूँ जो बिहू डांस करवाते भी है, तो आप उनसे एक बार संपर्क करिए और बात करिए, वो जरूर अपने बच्चों को सिखाएंगे डांस। और आप यूट्यूब पे भी उसका सर्च करिए कि किस तरीके के स्टेप्स होते हैं, क्या उसके बेसिक मूवमेंट्स होते हैं, तो उनकी जानकारी आपको होगी तो आप डांस टीचर बनकर बच्चों को सिखा सकते हैं। मैम, अगर हम आपके कल्चर को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ लेंगे तो हमारे डांस में परफेक्शन लाएगा, तो हम उसके लिए क्या करें? इसके लिए ऐसा है, प्रभा जी की एक एसएमएस फैमिली रहती है यहाँ पे, मैं उनको जानती हूँ, तो आप बच्चों को वहाँ लेके जाएं और उनसे जो भी बिहू की बारीकियाँ हैं या एसएमएस कल्चर की बारीकियाँ हैं, तो उसको बच्चों को उनके द्वारा बताएं, उनका जो पहनावा है, जो कपड़े हैं, बिहू डांस के बारे में और एसएमएस कल्चर के बारे में, तो आप बच्चों को वहाँ एक बार ले जाओ, बच्चों से उनकी बात करवा दो, तो बच्चों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी। और दूसरी चीज़ है, जैसे बेसिकली जो ज्वेलरी बच्चे पहने या डांस में जो हम प्रॉप्स यूज़ करेंगे, तो क्योंकि ये एकदम ही डिफरेंट कल्चर है, अपना वेस्ट है, मिडल ईस्ट है, वो चीज़ें हमारे यहाँ तो नहीं मिलेंगी, तो आप पहले पता लगे कि कौन सी चीज़ हमारे यहाँ अवेलेबल है, और अगर नहीं है तो हम उनको ऑनलाइन मंगवा लेंगे। तो आप एक कोई सर्च करिए इसके बारे में डिटेल से और लिस्ट बना दीजिए, जो यहाँ मिलेंगे वो यहाँ से नहीं मिल पाएंगे। और सूर्य किरण जी, आप ऐसे सॉन्ग्स सेलेक्ट करिए जिसमें बिहू डांस जिसके ऊपर हम प्रस्तुत कर सकते हैं। सॉन्ग्स के साथ में कुछ सोशल साइट्स हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप, वो भी बच्चों को बोले कि इसको यूज कर करने के लिए। तो मेरी दो तीन ऐसे मेरी फ्रेंड्स हैं, मैं उनके नंबर दे दूँगी आपको, ये मेरी अकाउंट यूज करके बच्चे उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो भी हमें कल्चर के बारे में और अच्छी बात बता सकते हैं। आप कनेक्ट करिए इन्फॉर्मेशन, उसके बाद बच्चों को आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एकदम एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम वेस्ट में हैं और वो ईस्ट का, अपना डांस प्रस्तुत करना बड़ा आसान होता है, लेकिन किसी डिफरेंट कल्चर के डांस को अपने बच्चों के अपने कल्चर के बच्चों के द्वारा प्रस्तुत करना दैट इज वेरी डिफिकल्ट, तो ये इसमें परफेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो आप सब प्रयास करिए कि बच्चे कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करता हूँ। हमारे स्कूल की छात्रा है आसाम का बिहू नृत्य प्रस्तुत करने जा रही है, तो हम आपसे आसाम के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना है, तो आप हमें बच्चों को बताएं। आज हम अपना बच्चों आसाम से हूँ, मैं गुलागर डिस्ट्रिक्ट मखाना में। जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में घूमर नृत्य प्रसिद्ध है, आपके आसाम में, आपके आसाम में कितने प्रकार के नृत्य होते हैं? तीन होती है, जैसे बिहू होते हैं, हमारे तीन बिहू होते हैं, एक हो गया बहाग बिहू, उसको रंगाली बिहू बोलते हैं, बाहर का तो बैसाखी मनाते हैं, और दूसरा हो गया कार्तिक बिहू, कार्तिक बिहू और बंगाली बिहू भी बोलते हैं, और जैसे ये अक्टूबर महीना में होते कार्तिक बिहू बंगाली बिहू, और तीसरा हो गया माघ बिहू, भुगाली बिहू, बाहर ये मनाया जाता है, ये उसको लोहड़ी उसमें हमारा जैसे क्या है, हर घर घर जा के हमारा डांस करते हैं एक हफ्ता तक, बच्चे हो लड़कियाँ हो जैसे बुजुर्ग हो, हर घर एक हफ्ता तक डांस होते हैं, बहाग भी बोलते हैं। और कार्तिक बिहू क्या होता है, हमारा फसल जैसे अभी उगने का टाइम होता है बैसाखी में, बैसाखी हमारा बिहू मना के हमारा फसल तैयारी करने शुरू होते हैं, जैसे हल चलाते हैं, उसके बाद फिर जब उगते हैं भाग जो उगते हैं ना, फसल उगती है, फसल उगती है ना, उसमें जो हमारा कार्तिक बिहू मनाया जाता है, उसमें जैसे हमारा ये खेतों में दिया जलाते हैं,
और तीसरा हो गया धान जब फसल काटने के बाद घर लाते हैं। उसके बाद हमारा माघ बिहू मनाया जाता है जनवरी में, अभी आने वाला जनवरी में, कि उसमें क्या होता है हम पूरा गांव मिल के हम जैसे खाना बना के हम खाते हैं इकट्ठा। ये जो भुगाली बिहू होता है माघ बिहू भुगाली बिहू बाहर का, उसमें हम लोग लोहड़ी मनाते हैं नहीं है वो वाला। और ये रंगाली बिहू में डांस होते हैं लोग, हमारा डांस करते हैं, डांस करने के बाद ही फसल जैसे डांस है हमारा जैसे और एक है कमर हिलाने का, ठीक है ये कमर जैसे ऐसे लेना है, कमर भी हिलाना हाथ भी हिलाना। अच्छा आपने जो ड्रेस पहनी है शायद ये असामी है, ये क्या बोलते हैं, ये जैसे सादर हो गया, ये मेखला हो गया, अच्छा अच्छा ये ब्लाउज है, ये हमारा ये असम का ड्रेस है। ये डांस करने वाला अलग होता है, हाँ मुगा होता है, मुगा होता है उसमें रेड डांस करने का। तो ये आपने इसको कैसे टक किया हुआ ये वाला यहाँ पे, ये जैसे हमारा ऐसा होता है ना पूरा खुला होता है, जैसे हम मोड़ के उतर के यहाँ लगा दो पीस होता है जैसे। और डांस करते हुए इस फंदे को आप डांस करते हुए जैसे हम ये क्योंकि डांस करना है ना तभी तो कमर हिलेगा, इसके लिए ये हम जैसे इसमें पिन लगाएंगे, पिन लगा के बस हम डांस करेंगे। मैम कोई अलग प्रकार की भी ड्रेस होती है बताइए, मैम कोई बिहू की विशेष वेशभूषा होती है बिहू का जैसे हमारा पिन होती है।